नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। लोमस ऋषि ने युधिष्ठिर को पूरी कथा सुनाई कि किस प्रकार से महर्षि दधीच की हड्डियों से वृत्रासुर को तो मार दिया गया। देवराज इंद्र इतना घबराए हैं कि वहां से भाग गए हैं। वो यही कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने जिस वज्र का प्रहार किया है उससे वृत्रासुर मर गया होगा या बच गया है। लेकिन कालकीय दैत्य, जिनकी चर्चा की थी कि बड़े आतताई हैं, बड़े पराक्रमी हैं, बड़े दुर्धर्ष हैं, उन्होंने ये निर्णय किया कि इस सृष्टि से तपस्वी, तपस्या, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि इन सबको समाप्त कर देना है, क्योंकि इन्हीं के कारण ये सब कुछ वृद्धि कर रहा है। और ये निर्णय करके वो सब जाकर के समुद्र में छुप गए हैं। महर्षि वेदव्यास वर्णन करते हैं, समुद्रम ते समाश्रित्य वारुणम निधि मंभसम काले अहसम प्रवर्तन्ते त्रैलोकस्य विनाशने। समुद्र को अपना निवास स्थान बना करके उन काले दैत्यों ने त्रैलोक के विनाश का प्रारंभ किया। ते रात्रौ समभिक्रुद्ध, रात का समय होता है, भयंकर क्रोध में आकर के बाहर निकलते हैं, जो भी उनको मिलते हैं उनको खा जाते हैं। भक्ष्यन्ति सदा मुनीन, बड़े बड़े ऋषियों को, मुनियों को। आश्रमेषु च ये सन्ति पुण्ये वायतनेषु च, जो उत्तम जगहों पे रहते हैं, जो उत्तम आश्रमों में रहते हैं, कभी वो वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच जाते हैं, कभी च्यवन मुनि के आश्रम में गए हैं। और वहां उनकी पद्धति क्या है कि रात्रि को वो जो श्रेष्ठ ऋषि हैं, जो तपस्या में लीन रहते हैं, जो तपस्वी हैं, ऐसे ऋषियों को उनका खून चूस के और उनका मांस भक्षण करके और शरीर पे चमड़ी रह जाए, हड्डियां रह जाएं, इस प्रकार की स्थिति में बना करके छोड़ देते हैं। यानी उनका खून मांस के साथ खा जाना, पी जाना और शरीर पे चमड़ी ऐसी ही बनी रहे। कई बार तो लोगों ने यह सोचा कि सुबह जब लोग देखते हैं कि अरे भाई, इन तपस्वी ऋषि ने अत्यंत कठोर तपस्या करके और अपने शरीर को सुखा दिया है, अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। प्रभाते समदृश्यन्ते नियता आहार कर्षिता, इन्होंने जो अपना नियत आहार किया है इसकी वजह से इनकी स्थिति हो गई है, लोग ऐसा समझने लगे। यानी व्यक्तियों को मार भी दो, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को मार भी दो और उनकी मृत्यु का कारण उनकी स्वयं की कठिन तपस्या है, कठोर तपस्या है, ऐसा लोग बात समझे। तो जो मर गए वो तो मर गए, लेकिन दूसरे लोग ऐसी कोई कठोर तपस्या ना करें, उनके बताए हुए मार्गों पे ना चलें, इस प्रकार का भय उन्होंने समाज में उत्पन्न करना शुरू किया। क्षीण मानसे वीरुधिरई विमज्जान्त्रै विषन्दिभि अकीर्णै राबवो भूमिः शंखानामिव राशिभि। अब तो क्या है, सर्वत्र जहां जाओ वहां जिसमें मांस नहीं है ऐसी हड्डियां पड़ी हैं। इसी प्रकार की सारे शारीरिक अंग जो हैं यहां वहां बिखरे दिखाई देने लग गए, क्योंकि इतने अधिक लोगों की मृत्यु होने लग गई है। धीरे धीरे इसका परिणाम होता है, निस्वाध्याय वसटकारम नष्ट योगो सवक्रियम जगदासीन निरुत्साहम काले भयपीडितम। भैया जो तपस्या करता है वो मर जाता है, जो यज्ञ करता है उसको मार दिया जाता है, जो ऐसे शुभ कार्य करेंगे उनको मार दिया जाएगा। इसलिए लोग वाक स्वाध्याय से दूर रहने लग गए, वसटकार से दूर रहने लग गए, सभी जगह की यज्ञ आदि क्रियाएं बंद हो गई हैं और सारा संसार जैसे निरुत्साह हो गया है। अब विचार कीजिए, जब एक यज्ञ का आयोजन होता है कितने सारे लोग जुड़ते हैं, कितना बड़ा उत्सव होता है, कितना बड़ा महोत्सव मनाया जाता है, सब तरफ आनंद आनंद का माहौल होता है, लेकिन जब ये सारी चीजें ही बंद हो गई है ना। केचिद गुहा प्रविविशुर निरजान चा परे तथा अपरे मरणोद्विग्ना भयात प्राणान समुत्सृजन। स्थिति इस प्रकार की आ गई है कि कुछ लोग तो जाकर के गुफाओं में छुप गए, कुछ लोग बड़े बड़े झरने जहां हैं, मतलब ऐसे स्थानों पे चले गए जहां कोई उनको ढूंढ ना पाए,
और कुछ तो भय से भयभीत होकर के अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। इस प्रकार की स्थिति, यानी सर्वत्र हाहाकार, सर्वत्र मृत्यु मृत्यु और मृत्यु का तांडव हो रहा है। कुछ इसमें जो बड़े प्रतापी थे, केचिद अत्र महेश्वासाः सुराः परम हर्षिताः मार्गमाणाः परम यत्नं दानवानां प्रचक्रिरे। अब जो भाई, सभी तो संसार में निर्बल और ऐसे नहीं होते ना, कुछ जो महेश्वासा शक्तिशाली तीव्र इस प्रकार के लोग थे, शूरवीर थे, उन्होंने इसका कारण ढूंढना शुरू किया। बड़े प्रयत्न किए लेकिन उनको इसका कारण नहीं मिला कि ये सब होता कैसे। भाई रात्रि को वो दानव आते हैं काल के और लोगों के साथ ये इस प्रकार की हत्या वत्या करके चले जाते हैं, तो और बाद में दिन में तो जाकर के समुद्र में छिप जाते हैं। तो कहीं भी किसी भी प्रकार से जब उनका कोई निशान नहीं मिला तो सभी देवता एकत्रित होकर के विष्णु के पास जाते हैं। शरणम शरणम देव नारायणम अजम विभुम समेत्य समहेन्द्राश्च भयान मंत्रम प्रचक्रिरे। वहां जाकर के उनकी स्तुति करते हैं, उनसे कहते हैं कि देखिए आदि दैत्यो महावीरो हिरण्यकशिपुपुरः। जब प्राचीन काल में आदिदैत्य हिरण्यकश्यपु ने इस पूरी पृथ्वी को एक तरीके से नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, तब नरसिंह का रूप लेकर के आपने हिरण्यकश्यपु को मारा था। जब बलि ने अपनी तपस्या से, अपने गलत कार्यों से नहीं, अपने अच्छे कार्यों से त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया था, तो अपने वामन स्वरूप धारण करके और उसको भी पदभ्रष्ट किया था। तो आपने तो हमेशा हमारी मदद की है। यहां जम्बदैत्य का भी उल्लेख किया है, असुर का। अब इसका भी मार्ग आप ही बताइए जी। जो यज्ञ आगादी सारी क्रियाएं नष्ट हो जा रही हैं, क्योंकि अगर यज्ञ खत्म हो जाएंगे तो देवता कहां से जिएंगे। देखिए अगर हम हैं तो देवता हैं, देवताओं को देवता बनाया किसने, हम ही ने तो बनाया है। साईं बाबा कोई भगवान तो नहीं थे, लेकिन उनको भगवान किसने बनाया, हमने आपने बनाया, क्योंकि हम उनकी भगवान की तरह पूजा करने लगे। ऐसे ही जो भी देवता हैं, संतोषी माता, ये जितने देवी देवता हैं उनका निर्माण करने वाले हमारे आपके अलावा और कोई नहीं है। तो मनुष्य हैं तभी तक देवता हैं, अगर मनुष्य का अस्तित्व नहीं है तो देवताओं का अस्तित्व नहीं है। देवाह ऊंचू सभी देवता मिलकर के विष्णु भगवान से कहते हैं, तव प्रसादात वर्धन्ते प्रजा सर्वास चतुर्विधा ता भाविता भावयंती हव्यकव्ये दिवौकशाः। आपकी कृपा से चतुर्विध जो सृष्टि है वो विकास पाती है और वो परस्पर आनंद के साथ जब रहते हैं, यज्ञ आगादि करते हैं, तो हव्यकव्ये दिवौकशाः, तो उससे देवता लोग प्रसन्न रहते हैं। लेकिन जब पृथ्वी पे यज्ञ आगादि और सारी सवन क्रियाएं ये सब कुछ बंद हो जाए तो हम लोगों का अस्तित्व ही मुश्किल में पड़ गया है। तो विष्णु से कहते हैं कि यही नहीं मालूम है कि ये सब कुछ कर कौन रहा है। क्षीणेशु च ब्राह्मणेशु पृथ्वी क्षयमिष्यति। अब महाराज अगर ब्राह्मण समाप्त हो गए तो ये पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। तथा पृथिव्याम क्षीणायाम त्रिदम क्षयमिष्यति। और जब पृथ्वी समाप्त हो जाएगी तो स्वर्ग लोक तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। देखिए देवताओं के लिए कहा जाता है कि वो वायु पक्षी है, देवता जो होते हैं वो वायु पक्षी होते हैं। अब वायु में ऐसा नहीं है कि सामान्य पवन का वो भक्षण करते हैं, जो यज्ञ आगादी हम करते हैं और उस यज्ञ आगादी में जो हम हवन आहुति वगैरह देते हैं उससे जो दिव्य धूम प्रकट होता है वो वायु वो ग्रहण करते हैं। तो अगर मनुष्य ही नहीं होगा तो ये आगादी नहीं होंगे, जब यज्ञ आगादी नहीं होंगे तो देवताओं का तो अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाएगा। तब उन्होंने कहा कि महाराज ये जो कुछ है काल के दैत्यों का किया हुआ, विष्णु भगवान उनसे कहते हैं, और वो समुद्र में जाकर के छिप जाते हैं। जब तक आप समुद्र को नहीं सुखाओगे तब तक काल के दैत्यों को नहीं मार सकते हो, और जब तक काल के दैत्यों को नहीं मारोगे तब तक तो ये जो कुछ चल रहा हो ऐसे ही चलता रहेगा। तो उपाय ये है कि अगस्त्येन बिना को ही शक्तो अन्योरण व शोषणे अन्यथा ही न शक्यास्ते बिना सागर शोषणम। भाई जब तक समुद्र नहीं सूखेगा तब तक तुम्हारा कार्य नहीं हो सकता है, और समुद्र सुखाने की शक्ति तो सिर्फ और सिर्फ अगस्त्य मुनि है। तो सिर्फ अगस्त्य मुनि हैं जो
आपकी इस पीड़ा को दूर कर सकते हैं, क्योंकि वही एक है जो समुद्र का शोषण कर सकते हैं। सभी देवता मिलकर के अगस्त्य मुनि के पास जाते हैं। ते भी गम्य महात्मानम मैत्रा वरुण मच्युतम आश्रमस्थम तपोरासिम कर्म भी स्वैरभिष्टवन। अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। क्या सुंदर वातावरण है यज्ञ आगादि में। देखिए ये बड़े बड़े जो ऋषि हुआ करते थे ना, ये आज के बहुत बड़े वैज्ञानिकों से भी बड़े थे। ये सिर्फ समाज और संसार के कल्याण के लिए कार्य किया करते थे, इसके अलावा और कुछ नहीं। इनके पास सभी प्रकार की शक्तियां थी। हमने अगस्त्य लोपा मुद्रा की कथा सुनी है कि उनमें इतनी शक्ति थी, इतनी तपस्या थी, और वो क्या क्या कर सकते, ये तो अभी हम और भी देखेंगे आगे। लेकिन फिर भी कैसे रहते थे कि गंगा द्वार में जाकर के सिर्फ और सिर्फ वहां अपने तपस्या में लीन रहना, विवाह हो गया तो भी लोपा मुद्रा से भी कह दिया तुम भी तपस्या करते रहो। तो ये मतलब विवाह होने के बाद भी पत्नी का सुख या ये संसार के सुख, जैसे इनसे तो कोई लेना ही देना नहीं होता था। तब देवताओं से प्रार्थना करते हैं, नहुषेणाभि तप्तानां त्वां लोकानां गति पुरा भ्रंसितश्च सुरैश्वर्यात् स्वरलोकालोक कंटक। महाराज जब नहुष ने देवताओं को बहुत पीड़ित किया था तो आपने उसको स्वर्गलोक से भ्रष्ट करके पृथ्वी पर पहुंचा दिया था और तब देवताओं की रक्षा की थी। इसी प्रकार क्रोधात प्रवृद्धा सहसा भास्करस्य नवोत्तमा वचस्तवान अतिक्रामन विद्ध शैलो न वर्धते। इसी प्रकार से आपने विंध्याचल पर्वत को बढ़ते हुए रोका, नहीं तो आज उसने सूर्य और चंद्रमा के मार्गों को भी अवरुद्ध कर दिया होता। तो आपने हमारे लिए समय समय पर बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ कार्य किए हैं, तो इस बार भी आप हमारी रक्षा करो। इस प्रकार से सभी ऋषि वहां जाकर के अगस्त्य मुनि से प्रार्थना करते हैं। अगस्त्य मुनि पूछते हैं कि महाराज ये विंध्याचल कैसे सूर्य और चंद्रमा के मार्ग को अवरुद्ध करने वाला था और किस प्रकार से अगस्त्य ने उसको रोका, ये कथा जरा आप हमें सुनाई दीजिए बीच में, अगर ये आ गई है। आगे की कथा तो जो चलेगी, मैंने आपसे कहा था कि युधिष्ठिर जैसा श्रोता हो और लोमस जैसा सुनाने वाला हो तो फिर तो बात ही क्या है। तो लोमस कहते हैं, अद्रिराजम महाशैलम मेरुम कनक पर्वतम उदयास्तमने भानु प्रदक्षिण अवर्तत। देखिए सुमेरु पर्वत जो सोने का पर्वत है, एकदम सुवर्णमय पर्वत है, सूर्य नित्य प्रति प्रातःकाल उदित होता है और उसकी परिक्रमा करता है। पूर्व दिशा में उदय होगा और उसकी पश्चिम दिशा में जाकर के अस्त होगा। तो एक दिन इस पूरी प्रक्रिया को देख करके विंध्याचल नाम का जो पर्वत है वो विंध्य सूर्य से ये कहता है, यथा ही मेरुर भवता नित्यता परिगम्यते प्रदक्षिणस्य कृते मामे वे गुरु भास्कर। जिस प्रकार से आप नित्य प्रति सुमेरु की, इस मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं, उसके आसपास घूमते हैं, इसी प्रकार से आप मेरी भी प्रदक्षिणा कीजिए। सूर्य कहते हैं, ना अहम आत्मेच्छया शैलम करो मेनम प्रदक्षिणम। अरे पर्वतराज, ये मैं अपनी इच्छा से कार्य नहीं करता हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं जो सुमेरु की प्रदक्षिणा करता हूं इस मार्गा प्रदिष्टो में यही रिदम निर्मितम जगत, जिसने संसार को बनाया है, जिसने सृष्टि के नियम बनाए हैं, उसने इस कार्य में मेरी नियुक्ति की है और इसीलिए मैं उसकी परिक्रमा करता हूं। इसके अतिरिक्त अन्य मार्ग पे चलना, अन्य मार्ग से जाना, ये मेरे लिए संभव ही नहीं। देखिए कुछ लोग इसी प्रकार के स्वभाव के होते हैं, उन्हें अगर ये मालूम पड़ जाए ये संभव नहीं है तो ठीक है, तुम्हारे लिए संभव नहीं है तो हम या तो तुमसे संभव करवाएंगे तो नहीं तो हम बिगड़ जाएंगे। विंध्याचल ने भी ये निर्णय किया, एव मुक्तस्तता क्रोधात प्रवृद्धा सहसा चला, धीरे धीरे वो बड़ा होने लग गया और उसने निर्णय किया, सूर्य चंद मसोर मार्गम रोदमिच्छन परंत पर, कि मैं सूर्य और चंद्रमा के गति का जो मार्ग है, उनकी जो जिस दिशा से जिस प्रकार से वो गति करते हैं, मैं उस रास्ते को ही रोक दूंगा। देवता लोग सब गए उनके पास कि भाई प्रकृति का नियम है, आप प्रकृति के नियम को इस प्रकार से कैसे तोड़ सकते हैं। लेकिन कुछ हठी लोग होते हैं, वो अपने हठ पे इस प्रकार से रहते हैं कि वहां आपकी शक्ति नहीं काम करती है, वहां आपकी बुद्धि काम करती है।
तब देवता अगस्त्य ऋषि के पास गए हैं और अगस्त्य ऋषि से प्रार्थना की कि महाराज इसका कोई उपाय कीजिए, नहीं तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। सूर्या चंद्र मसोर मार्गम नक्षत्राणाम गतिम तथा शैल राजो व्रणोत्येश विंध्या क्रोध वशानुगा। ये क्रोधित हुआ विंध्याचल पर्वत जो है सूर्य चंद्रमा और नक्षत्रों के जो गति के मार्ग हैं उन सबको अवरुद्ध करने जा रहा है। इसके सामने हमारी किसी की प्रार्थना इसने नहीं सुनी है, कुछ नहीं कर मानता है हमारा। तब अगस्त्य मुनि ने उन देवताओं की प्रार्थना का स्वीकार किया और वो विंध्याचल पर्वत के पास गए हैं। विंध्याचल पर्वत में भी सोभिगम्यत ब्रवीत विंध्यम साद रह समुपस्थिता। अगस्त्य मुनि को अपने यहां आया हुआ देकर के उनका स्वागत सत्कार किया है, उनकी पूजन आराधना की है। फिर पूछा महाराज क्या सेवा करें, तो अगस्त्य मुनि कहते हैं मार्गम इच्छामि अहम दत्तम भवता पर्वतोत्तम। भाई मुझे दक्षिण दिशा में जाना है और आप हमारे मध्य में आ रहे हैं तो मुझे जाने के लिए मार्ग चाहिए। इतना याद रखो कि मुझे वापस भी आना है और जब तक मैं वापस नहीं आऊं तब तक वो मार्ग मेरे लिए बना रहने देना। यावदा गमनम मह्यम तावत तुम प्रतिपालये निवृत्ते मई शैलेन्द्र ततो वर्धस्व कामतः। एक बार मैं वापस आ जाऊं तब तक मेरी प्रतीक्षा करना और जब मैं वापस आ जाऊं उसके बाद तुम्हें जितना बढ़ना है उतना तुम बढ़ते चले जाना। इस प्रकार से कहने के बाद अगस्त्य मुनि जो वहां से दक्षिण दिशा में गए तो आज तक दक्षिण दिशा से लौट करके वापस उत्तर दिशा में नहीं आए। उन्होंने दक्षिण दिशा को ही अपना निवास बना लिया और वो विंध्याचल पर्वत जो बढ़ता चला जा रहा था उसकी वृद्धि उस दिन से रुक गई है, क्योंकि अभी भी वो उन अगस्त्य मुनि की वापसी की राह देख रहा है। देखिए संसार के कल्याण के लिए जहां उत्तर दिशा में अगस्त्य मुनि गंगा द्वार में तपस्या करते थे, जहां उनका अपना स्थान था, सब कुछ था, उस सब का परित्याग करके और फिर कभी उस दिशा की तरफ वो नहीं गए हैं। तो जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो तो समाज के कल्याण के लिए किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े त्याग के लिए तैयार रहते हैं और जब वो कुछ त्याग करते हैं तो दूसरों को भी उसमें जुड़ना पड़ता है। आगे की कथा अगली वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। विंध्याचल पर्वत को तो आगे बढ़ता हुआ अटका दिया अगस्त्य मुनि ने, अब कैसे समुद्र का शोषण किया जाता है ये हम अगले वीडियो में सुनेंगे।